मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल के अंदर इस VMC प्रोग्राम में। तो आज हमारा जो टूल पाथ हमने यूज़ करना है वो है ऑफसेट फिनिशिंग। तो यहाँ पे फिनिशिंग के टूल पाथ में जाएंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ठीक है। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, रास्टर फिनिशिंग, ये तीनों एक जैसे होते हैं। तो पहले ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग करके देखते हैं, फिर उसके बाद ये बाकी के दोनों करके देखेंगे कि इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या, ठीक है। तो ये है ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ओके कर दो। तो पहले जो हम ब्लॉक वगैरह लेते थे हम पहले ही ले लेते थे, उसके बाद हमने लिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ले। तो सबसे पहले ब्लॉक ले लो, ठीक है, कैलकुलेट कर दिया। ये जो टूल पाथ है ये सिर्फ फ्लैट एरियाज पे चले, ठीक है, ये वाले फ्लैट एरिया पे, ये वाले फ्लैट एरिया। और ब्लॉक ले लो और वर्क प्लेन ले लो, सॉरी, और ब्लॉक दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक वर्क प्लेन चेंज हो गया था। और एक एंड मिल चाहिए हमारे को, 6 mm का एंड मिल लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे फ्लैट एरियाज पे जा सके। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के अंदर हमारे को क्या है दिया हुआ, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ स्टेप ओवर, ठीक है। ये टूल के डाई का फॉट मतलब फिनिशिंग हो रही है तो इसलिए कम दे सकते हैं, तो इसको 0.5 कर देते हैं। स्टॉक कितना छोड़ना फिनिशिंग के लिए 0 हमने कर दिया। कट डायरेक्शन क्लेम चलाना या कन्वेंशन चलाना है, इसको एनी कर दो ताकि कम से कम एरिया जाए। इग्नोर होल, जैसे ये होल हैं है ना, तो जो भी 2 mm से बड़ा होगा उसको इग्नोर करना है। जो अप्रोच का तरीका है वो आउटसाइड से चाहिए या अंदर से चाहिए, तो आउटसाइड ही ठीक है क्योंकि हमारा कंपोनेंट भी ऐसा ही है कि हम बाहर से टूल ला सकते हैं। फाइंड फ्लैट टारगेट्स, ये ऑन होना चाहिए। अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट, भाई कई बार हमारे को क्या होता है ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करता है टूल, तो उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, अलाउ कर दो और कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये जितने भी फ्लैट एरियाज हैं सारों के ऊपर चलने लग गए, ठीक है। तो देखो नीचे भी गया है, नीचे क्यों गया है, क्योंकि नीचे भी फ्लैट एरिया, ठीक है। यहाँ नहीं गया क्योंकि ये आर पार थ्रू वॉल है, इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो हमारी रैपिड हाइट कितनी, उसके बाद लिंक्स, लिंक्स में हमने यहाँ पे स्किम 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 किया हुआ है, इसको इंक्रीमेंट करके देखो, ठीक है। बेसिकली हमारे को लिफ्ट कम करनी है, इसको और चेंज करके देखेंगे, इसको भी स्किम कर दो, सेव कर लो। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, पर अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा ये स्किम को सेव कर दूँ, इसको भी सेव कर दूँ, तो ये लिफ्ट ऊपर जाना लग जाएगी। ऑन सरफेस कर देंगे तो ऑन सरफेस के ऊपर चलेगा, बिल्कुल हमारे को लिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। लिंक्स के ऊपर हम अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, फिलहाल हमारा था मकसद ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग का। तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग हमारे को समझ में आ गया कि जितने भी फ्लैट एरिया हैं उस एरियाज पे ऑफसेट करता हुआ चलेगा ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग कैसे यूज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या है ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो ये था हमारा फ्लैट फिनिशिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं रास्टर में क्या होता है, इसको हाइड कर देता हूँ। तो टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एक रास्टर फिनिशिंग और एक है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। पहले रास्टर फ्लैट फिनिशिंग करते हैं। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग भी देखो तकरीबन वैसा ही है, फाइंड फ्लैट ट्रायंगल्स है ना, टूल आउटसाइड चाहिए कि नहीं चाहिए, अप्रोच डिस्टेंस क्या है। इसमें एक देखो ये एंगल की ऑप्शन एक्स्ट्रा, फिक्स डायरेक्शन हो रखा है, इसको एंगल पे कर सकते हैं। बाकी होल इग्नोर करने हैं कि नहीं करने, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। कैलकुलेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बढ़िया चल रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के। इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम अभी ये जो टॉप व्यू करेंगे तो ये देखो ये स्ट्रेट चल रहा है, ये स्ट्रेट है। तो हम इसको थोड़ा सा एंगल भी दे सकते हैं अगर हमारे को ज़रूरत है तो, 30 डिग्री पे कर देंगे। तो ये सारा टूल पाथ जो है 30 डिग्री पे चलने लगता है, जितने डिग्री हम एंगल चेंज कर देंगे उतने डिग्री पे चलने लगता है। इसको कर दो जीरो, तो ये होल्स में भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम होलों को इग्नोर कर सकते हैं। लिमिट के साथ या लिमिट के साथ की बजाय हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको फ्रंट व्यू करो, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, ये हो और ये हो। पहले तो एक को सिलेक्ट करो, ये वाले जो छोटा वाला होल है इसको सिलेक्ट करो, एडिट करो। पहले इसको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये येलो वाला, एडिट डिलीट सेलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको राइट क्लिक करो, एडिट डिलीट, आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। और ये हमारा टूल पाथ जो है बढ़िया तरीके से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है, इसके बीच में भी हमारे को एक चीज चेंज करके देखनी चाहिए। इसको ऑन सरफेस की बजाय लिंक्स के अंदर सेव करो, यस क्यों कर दें। अभी ठीक, एक्चुअली क्या हो रहा था वो इसके बीच में जाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक। तो हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा टूल पाथ बढ़िया बन गया, ठीक है। लिफ्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, पर हम ऐसे नहीं चाहते कि अननेसेसरी कहीं पर जाए। तो ये हमारा हो गया रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट टूल बार जो हमने करना है वो है राष्ट्र के साथ राष्ट्र फ्लैट फिनिशिंग हमने कर लिया। नेक्स्ट टूल पाथ जो है वो है रास्टर फिनिशिंग। तो ये है हमारे पास रास्टर फिनिशिंग का टूल। तो रास्टर फिनिशिंग में हमारे को क्या करना पड़ता है, देखो इसमें भी फिक्स डायरेक्शन है, एंगल अगर आप देना है कि नहीं देना, वन वे चलना है, टू वे चलना है, टू वे ज्वाइंट चलना है। फिलहाल मैं टू वे ज्वाइंट कर रहा हूँ, इसको प्रीव्यू देख सकते हैं। ब्लॉक हमने दिया हुआ ऑलरेडी, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है। रास्टर फिनिशिंग का मतलब हो गया ये सारे के ऊपर चल गया। तो ये तो तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस कंपोनेंट के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए इसको टूल पाथ को कर देते हैं डिलीट और फिर से टूल पाथ करेंगे। अगर ये रास्टर फिनिशिंग चलाना भी है तो फिर हम बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे। कि हमारे को किस बाउंड्री के अंदर अंदर चलाना है, तो यहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं पैटर्न कंपोनेंट कर्व के साथ भी कितने एरिया में चला। तो हमने सिर्फ ये बाउंड्री सेलेक्ट कर ली और हमने इसको बोला है कि कीप इनसाइड, इस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है। अब रास्टर चलाएंगे तो यहाँ पे नहीं जाएगा, टू वे ज्वाइंट है, प्रीव्यू कर सकते हैं। ओके टॉप व्यू करेंगे तो ये देखो यहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे को यानी कि बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए, टूल भी बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। तो टूल की बजाय एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्टॉक दे देते हैं, 2 mm का स्टॉक देंगे, थोड़ा सा और ये देखिए टॉप व्यू अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसे छोड़ देगा उसके हिसाब से। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये टूल पाथ जो है इसके लिए तो सही नहीं है, इस कंपोनेंट के लिए। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो बेसिकली हमने 2 टूल पाथ किए हैं आज, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग और रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बेसिकली एक एंगल का ही था कि अगर एक तो इसमें हम एंगल दे सकते हैं, इसमें हम एंगल नहीं दे सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों टूल पाथ समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा टूल पाथ जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है।